हे गाइस, स्वागत है तुम सबका पोकेमोन एस वर्सेस हिज फादर के पार्ट 3 एपिसोड के अंदर। एंड वैसे जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को नहीं देखा है वो जाकर देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले टोन में एस के डैड नहीं मिलते हैं और हमारे हीरोज ट्रेनिंग करने के लिए निकल पड़ते हैं। और वो ट्रेनिंग करने जा रहे थे तभी वहाँ पर सिंथिया से मिलते हैं और सिंथिया बोलती है एस कहाँ तुम जा रहे हो। तब एस बोलता है कि मैं अपने डैड को हराने के लिए ट्रेनिंग करने के लिए निकला हूँ। और सिंथिया बोलती है तुम ट्रेनिंग करने के लिए निकली हो तब तो तुम्हें सीनो जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर एक टूर्नामेंट हो रहा है। एंड एस बोलता है गो से कि हमें सीनो जाना चाहिए क्योंकि मुझे एक ट्रेनर से मिलना है। एस एंड गो सीनो के लिए निकल पड़ते हैं एंड सीनो पहुँचने के बाद सीधे वो डॉन के घर चला जाता है। एंड वहाँ पहुँचने के बाद डॉन को लेकर हार्ट होम सिटी की ओर निकल पड़ता है जहाँ पर वर्ल्ड टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला था। तब वो हार्ट होम सिटी पहुंच जाता है एंड वर्ल्ड टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला था। तब एस वहां पर पॉल एंड बैरी से मिलता है एंड उससे मिलने के बाद पूछता है क्या तुम भी बैटल में पार्टिसिपेट कर रहे हो। तब पॉल बोलता है कि मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ एंड मैं इस टूर्नामेंट को जीत के दिखाऊंगा। तब एस बोलता है कि हम लोग यहाँ पर घूमने नहीं आए, हम लोग ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो तुम्हें जीतने के लिए मुझे डिफीट करना पड़ेगा। तो एस बोलता है क्या तुम मुझे डिफीट कर सकते हो। तब पॉल बोलता है यस मैं तुम्हें डिफीट कर सकता हूँ। तब एस बोलता है चलो 1v1 का बैटल हो जाए। तब पॉल बोलता है मुझे अभी बैटल नहीं करना, मैं टूर्नामेंट में मिलूंगा। तब पॉल वहाँ से चला जाता है और एस भी टूर्नामेंट की तैयारी में लग जाता है। और एस सोचता है कि मैं अपने सभी पोकेमोन को इस टूर्नामेंट में यूज करूंगा। तो अगले ही दिन टूर्नामेंट स्टार्ट होता है और फर्स्ट मैच गो का होता है जहाँ गो सेकेंड राउंड में पहुँच जाता है और पॉल भी सेकेंड राउंड में पहुँच जाता है। तब एस वर्सेस डॉन का मैच स्टार्ट होता है एंड और डॉन अपने ब्लास्टोस को बाहर निकालती है और एस अपने बल्बासुर को बाहर निकालता है एंड दोनों के बीच बैटल स्टार्ट होता है। डॉन अपने ब्लास्टोस से हाइड्रो पंप यूज़ करने के लिए बोलती है और एस अपने बल्बासुर से रेजर लीफ यूज़ करने के लिए बोलता है एंड दोनों का अटैक आपस में टकराता है पर दोनों ही खड़े रहते हैं। तब एस बल्बासुर से सोलार बीम यूज़ करने के लिए बोलता है और डॉन अपने ब्लास्टोस से ड्रैगन पल्स यूज़ करने के लिए बोलती है और दोनों की ही के अटैक आपस में टकराते हैं एंड दोनों ही फेंट हो जाते हैं। तब डॉन अपने सेकेंड पोकेमोन मेमोस्वाइन को बाहर निकालती है एंड एस अपने इंसिरोर को बाहर निकालता है एंड दोनों के बीच बैटल स्टार्ट होता है। डॉन मेमोस्वाइन को ब्लेजर यूज करने के लिए बोलती है एंड एस अपने इंसिरोर से फ्लेयर ब्लेज यूज करने के लिए बोलता है। तब मेमोस्वाइन काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। तब डॉन अपने मेमोस्वाइन से अर्थक्विक यूज करने के लिए बोलती है एंड एस इंसिरोर से फायर पंच यूज करने के लिए बोलता है और अर्थक्विक की वजह से इंसिरोर फायर पंच यूज नहीं कर पाता है और इंसिरोर घायल हो जाता है। तब इंसिरोर से फ्लेम थ्रोअर यूज करने के लिए एस बोलता है और वहां पर मेमोस्वाइन को अटैक करने का मौका नहीं मिलता है एंड इंसिरोर का फ्लेम थ्रोअर डायरेक्ट हिट होता है जिसकी वजह से मेमोस्वाइन फेंट हो जाता है। तब डॉन अपने थर्ड पोकेमोन पीपलो को चुनती है एंड पीपलो अपने बबल बीम यूज करता है एंड उसके बाद बबल बीम से इंसिरोर काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है एंड उसके बाद हाइड्रो पंप से पीपलो इंसिरोर को फेंट कर देती है। एंड उसके बाद एस अपने थर्ड पोकेमोन पिकाचू को बाहर निकालता है एंड पिकाचू और पीपलो के बीच बहुत ही देर तक बैटल चलता रहता है एंड पिकाचू अपने वॉल डैगल के से पीपलो को फेंट कर देता है और एस सेमीफाइनल में पहुंच जाता है। एंड इसी तरह पॉल, बैरी एंड गो सेमीफाइनल में जगह बना लेता है एंड सेमीफाइनल का मैच पॉल वर्सेस गो का होता है फर्स्ट मैच एंड सेकेंड मैच एस वर्सेस बैरी का। एंड सेमीफाइनल का फर्स्ट मैच स्टार्ट होता है जो था पॉल वर्सेस गो का एंड पॉल अपने इलेक्ट्रोवायर को बाहर निकालता है एंड गो अपने स्वीकोन को बाहर निकालता है एंड दोनों के बीच बैटल स्टार्ट हो जाता है एंड जिसमें पॉल अपने इलेक्ट्रोवायर से गो के स्वीकोन को डिफीट कर देता है और पॉल अपने फाइनल में जगह बना लेता है। अब एस और बैरी का मैच स्टार्ट होता है और लास्ट में दोनों के पास एक एक पोकेमोन बच जाते हैं और एस अपने सेप्टाइल को बाहर निकालता है और बैरी अपने इम्पोलियन को बाहर निकालता है एंड दोनों के बीच बैटल स्टार्ट हो जाता है और बैटल चलते ही रहता है। तभी ये सेप्टाइल काफ़ी ज़्यादा थक जाता है एंड उसके बाद वो एक न्यू मूव सीखता है था एंड जो था फ्रिजी प्लांट एंड फ्रिजी प्लांट का यूज करके बैरी को डिफीट कर देता है। और इसी के साथ एस फाइनल में पहुंच जाता है और अगले ही दिन एस वर्सेस पॉल का मैच स्टार्ट होता है। तब पॉल अपने टोटेरा को बाहर निकालता है और एस अपने ड्रेनोट को बाहर बुलाता है। अब दोनों के बीच बैटल स्टार्ट हो जाता है और दोनों पोकेमोन एक के बाद एक पावरफुल मूव यूज करते हैं। तभी पॉल का टोटेरा अपने लीफ स्टॉर्म से ड्रेनोट को डिफीट कर देता है और एस अपने सेकेंड पोकेमोन इन्फर्नेब को बाहर बुलाता है और इन्फर्नेब अपने एक ही मूव से टोटेरा को डिफीट कर देता है। तब एस पॉल से बोलता है इन्फर्नेब को भूल तो नहीं गए। तब पॉल बोलता है नहीं बट इस बार मेरा इलेक्ट्रोवायर अपना बदला लेगा। तब अब पॉल अपने इलेक्ट्रोवायर को बाहर निकालता है और इलेक्ट्रोवायर वर्सेस इन्फर्नेब का बैटल स्टार्ट हो जाता है
एंड लास्ट में दोनों पोकेमोन काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं एंड दोनों पोकेमोन अपना बेस्ट मूव यूज़ करते हैं और दोनों ही गिर पड़ते हैं। तब इन्फर्नेप खड़ा होता है और इलेक्ट्रोवायर भी खड़ा होता है, तभी इन्फर्नेप गिर पड़ता है एंड इसके साथ इन्फर्नेप हार जाता है। तब ऐस अपने थर्ड पोकेमोन ग्रीनिंजा को बाहर निकालता है और ग्रीनिंजा अपने एक मूव क्यूक अटैक से इलेक्ट्रोवायर को फेंट कर देता है। तब पोल अपने थर्ड पोकेमोन ब्लास्टोस को बाहर निकालता है और पोल अपने ब्लास्टोस से कहता है मेगा इवॉल्व। तब ब्लास्टोस मेगा इवॉल्व हो जाता है। तब ग्रीनिंजा और मेगा ब्लास्टोस का बैटल स्टार्ट होता है और पोल अपने ब्लास्टोस से ड्रैगन पल्स यूज करने के लिए बोलता है और ग्रीनिंजा बच जाता है। तब अचानक ही ग्रीनिंजा पर ब्लास्टोज अपना हाइड्रो पंप से यूज हमला करता है एंड ग्रीनिंजा पत्थर से टकरा कर नीचे गिर पड़ता है। तब पोल एस से बोलता है तुम अब हार मान लो। तब एस बोलता है अभी तो बैटल स्टार्ट हुआ है एंड तभी एस एंड ग्रीनिंजा के बीच बैटल बॉन्ड बनता है और ग्रीनिंजा एस ग्रीनिंजा बन जाता है। तब पोल बोलता है ये कैसा इवोल्यूशन है। तब एस बोलता है ये मेरे और मेरे ग्रीनिंजा का बॉन्ड इवोल्यूशन है। एस ग्रीनिंजा वर्सेस मेगा ब्लास्टोस का बैटल स्टार्ट हो जाता है एंड जहाँ पर दोनों का बैटल काफ़ी लंबा चलता है एंड उसके बाद एस अपने ग्रीनिंजा से वाटर सर्कन यूज करने के लिए बोलता है और पोल अपने ब्लास्टोस से ड्रैगन पल्स यूज करने के लिए बोलता है एंड दोनों का अटैक टकरा जाता है एंड इसी के साथ ब्लास्टोस फेंट हो जाता है एंड पोल अब मैच हार जाता है एंड एस वो टूर्नामेंट जीत जाता है एंड उसके बाद वो बाहर निकलता है एंड पोल अपने सफ़र में और भी ताकतवर होने के लिए निकल पड़ता है। तब गो एस से बोलता है क्या तुम अब चलोगे गलार। तब एस बोलता है मैं यहाँ पर किसी और मकसद से आया हूँ। तो गो पूछता है वो क्या। एस बोलता है कि मुझे अपने डैड को हराने के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत है एंड वो ज़रूरत यहाँ पूरा होगा। तो गो पूछता है वो कैसे। एस बोलता है उसके लिए मुझे एक ट्रेनर से मिलना होगा जिसके पास एक मिथिकल एंड एक लेजेंडरी पोकेमोन है एंड गो पूछता है उसका नाम क्या है। तब एस बोलता है वो टोबिया से है एंड जिसके साथ मैं सिनो में बैटल किया था एंड इसके दो पोकेमोन को मैं अपने 6 पोकेमोन से डिफीट नहीं कर पाया था। एंड इसी के साथ ये पार्ट का एंड होता है एंड अगले पार्ट के लिए तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना एंड तब तक के लिए गाइस मिलता हूँ अगले एपिसोड के अंदर। बाय बाय गाइस, सी यू सून।